बर्बाद करने में यही कटवालों का हाथ है। अभी आप लोग को अगर इसका नाम सुनिए, अपना मुंह से बोलेगा, नाम बताओ अपना, जोर से बोलो, जोर से बोलो, अली खान, जोर से बोलो, अली खान। कहाँ से आए हो? बनारस। बनारस से। तुम्हारा बाप का नाम क्या है? बाप का नाम क्या है? तुम्हारा पिताजी का नाम क्या है? तुम्हारा अली खान है ना, पिताजी का नाम क्या है? जल्दी बताओ। मोहम्मद खान। मोहम्मद खान। ये मोहम्मद खान का लड़का अली खान, इसका घर बनारस यूपी से आया है। और ये साधु बन के, साधु का चोला आपको दिखा रहे हैं, ये जो त्रिशूल देख रहे हैं, ये त्रिशूल को पकड़ा हुआ है, त्रिशूल में डमरू बांधा हुआ है और इसको लेके ये घूम रहा है। इसको अभी सेक्टर 18 में हम जा रहे थे रास्ता में, इसको हम पकड़े। इसको जब पूछा गया कि वेद कितना है, धर्म क्या है हम लोग का, फिर जात क्या है, तो गीता का अध्ययन किया है कि नहीं किया है, तो ये कुछ नहीं बता पाया। जब कुछ नहीं बता पाया, जब से बात हुआ, तब ये लास्ट में बोलता है कि मेरे को माफ़ कर दो, और मैं से माफ़ी मांगने लग गया। कहे नहीं, ये बोलता हम मुसलमान हैं और हम अपना पेट के लिए गुजारा कर रहे हैं। जब तुमको पेट के लिए गुजारा कर रहा है तो फकीर बन जा। तू अपना, हम लोग का धर्म, हिंदू धर्म को अपमान क्यों किया जा रहा है? और हमारा समाज चुपचाप कब तक देखता रहेगा? ऐसा ये लोग का चलते, हम लोग का धर्म को बदनाम कर रहा है, साधु संत बदनाम हो रहा है, और हम लोग का हिंदू लोग, जो सेकुलर हिंदू है, वो खास कर सुने कि आप लोगों का चलते ये सबको बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि आप लोग मुंह बंद रखे हैं। अगर आप लोगों के सामने ये हरकत होगा तो आप लोग बोलेंगे, जानने से बोलेंगे, लेकिन ये छोटा मोटा जो चीज़ हो रहा है, ये बहुत बड़ा हो रहा है भारत में। इसी की वजह से हम लोग का अपमानित किया जा रहा है। लेकिन आप लोग इसको अच्छा से देखिए, ये अली खान, लेकिन इसका फेस पोशाक देखिए, ये रुद्राक्ष पहना हुआ है। ये माने बाबा को बदनाम करने के लिए, देखिए ये चिलम का छाप रखा हुआ है कि माने हर बाबा नशा करता जिस तरह का। और उसके बाद आप देखिए क्या क्या पहना है, देखिए। और ये त्रिशूल इसका हाथ में हमेशा रहता है। अभी आप थोड़ा इधर दिखाइए, आपको दिखाते हैं हम, देखा बैग मिला। ये है ये बाबा का बैग, ये साधु बाबा है, ये बैग रखा है। और ये बैग में क्या क्या है देखिए, ये इसमें एक भगवान का फोटो सब लगा हुआ है। इसको कुछ पता नहीं है यहाँ का, इसका विषय में कुछ पता नहीं है। अभी हम अगर पूछ देंगे इसका ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, कुछ बता नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो मुसलमान है, ये तो हम लोग का धर्म को साजिश के तहत बदनाम कर रहा है। ये देखिए आईना, कभी हिंदू बाबा रखता नहीं है, ये कटवालों रखता है। आप लोग देखिए, तो अभी आप लोग बताइए कि इसका क्या किया जाए, कि आप लोग ऐसे चुप रहेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग माने क्या करें, ये तो हम लोग हिंदू समाज ही जाने। देखिए बिस्किट बिस्किट क्या है टिफिन में, अभी इसका पूरा, ये देखिए ये सिंदूर, कुछ शंख है, कुछ रुद्राक्ष प्लास्टिक का है, जिसको आप लोग क्या करेगा ना, ये आप लोगों को देगा, क्या बन के देगा ना, बाबा यूपी वाले, ये बन के ये देगा। और देने के बाद आप लोगों को तो कुछ काम बनेगा नहीं, आप लोग क्या बोलेंगे, हिंदू लोगों का साधु संत और बाबा सब ढोंगी है, वो लोग ठग रहा है दुनिया को, आप लोग ऐसे बोलेंगे। लेकिन ठग रहा है हिंदू समाज नहीं, ठग रहा है इसका जैसे कठुआ, ये मुसलमान जो है ये ठग रहा है, ये हिंदू का चोला हाथ में चल रहा है भाई, ये हिंदू का चोला पहन के जो मुसलमान यहाँ बैठा हुआ है, ये ठग रहा है समाज को, जिसका वजह से हमारा धर्म बदनाम हो रहा है, अपमानित हो रहा है। इसीलिए साधु संत को बदनाम करने से पहले, हिंदू धर्म को बदनाम करने से पहले ना, आप लोग उसका सच्चाई जाने। हर बाबा दिखने वाला आदमी साधु नहीं होता, कि हर भगवा वाला हिंदू नहीं होता, वो इसका जैसे मुस्लिम होता है मुसलमान। आप लोग इसका मुंह से सुने ना, इसका नाम अली खान है। इसीलिए आप लोगों से विनती है, अगर रोड में आप लोग ऐसा साधु संत को देख रहे हैं तो उससे आप सवाल करिए, उसका गीता के बारे में पूछिए, गीता का अध्ययन किया कि नहीं, वेद कितना है, कितना प्रकार का है, उसका जात कौन सा है, गोत्र कौन सा, पूछिए, सवाल करिए, आप लोगों का पूरा अधिकार है। अभी इससे पूछा गया था, अभी दो तीन शब्द और पूछेंगे आप लोगों का, इसे जानिए। तो खड़ा होइएगा। अच्छा आप यहाँ पर जैसे मेरे को क्वेश्चन बताएं, आप थोड़ा डिटेल में बताइए कि आप कहाँ पर आए थे और क्या काम से आए थे और किसका पास आए थे। 8 नंबर में एक लड़के जी थे हमारे फिर से मिलने के लिए। तो जोर से बोलिए। 8 नंबर में एक हमारे भक्त जी थे फिर से मिलने के लिए। सुन लिए ना, 8 नंबर में कोई इनका भक्त है जिससे ये मिलने आया था, इसका नाम है अली खान, लेकिन ये साधु संत का चोला में दुनिया को बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ बन गया हमारा राउरकेला का आदमी, 8 नंबर सेक्टर का आदमी बेवकूफ बन गया। वहां पर इसको बुलाया गया था कि इसका कुछ असुविधा है, तो ये साधु यूपी से आए हैं जिसका नाम है अली खान, उनके मुंह से बुलाया, ये नाम बोलिए। तो और क्या बोल रहे थे आपको,
और आप क्या बोले, मैंने आप वहाँ पर पूजा करने आए थे? नहीं, ऐसे मिलने आते हैं। मिलने आए थे तो एक बार उनको बताइए, आपका नाम बताइए, आपका परिचय बताइए। नाम क्या है आपका? शीला बाबू ने दिया था निरंजन बरस। आपका नाम बताइए। अली खान। पूरा नाम? अली खान। अली खान है। कहाँ से है? बनारस से। बनारस से। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ आए थे कुछ भक्त लोग से मिलने के लिए। लेकिन बात यहाँ पर मेरा एक ही बोलना है मेरा हिंदू भाई लोग से कि हम लोग बात बात में इतना बुढ़वा कैसे बन जाते हैं। एक मुसलमान जिसको हमारा गोत्र नहीं मालूम, हम लोग जात नहीं मालूम, हम लोग वेद नहीं मालूम, हम लोग गीता शास्त्र कुछ नहीं मालूम, वो आके थोड़ा सा मीठा बात कर रहा है, थोड़ा सा आंख बंद करके अंधविश्वास दिखा रहा है, तो आप लोग तुरंत उसको साधु मान ले रहे हैं, भगवान मान ले रहे हैं, उसका नाम से नारियल फोड़ दे रहे हैं। ये सब बंद करिए अंधविश्वास को, ये सब बंद करिए। और साधु संत अगर आपको मानते हैं तो हर साधु संत याद रखिए वो आपको मिलेंगे तो आश्रम में मिलेंगे, ऐसे रोड भड़कते हुए नहीं मिलते साधु संत। अगर आपको रोड मिलते हैं साधु संत भड़कते हुए तो उसे आप सवाल करिए और उसे पूछिए, ना कि उसका भक्त बन जाइए और अपना धर्म को बदनाम करवाए, क्योंकि ये साधु का भेष में मुसलमान है। और याद रखिए यही सब है जो बलात्कार करता है कि या पैसा लेके ठगता है या माने कुछ भी गलत करता, तो यही लोग हैं। लेकिन भेष रहता है साधु का, इसलिए बदनाम होता है। हमारा हिंदू धर्म और हिंदू समाज बदनाम होता है, हम लोग का वेद बदनाम होता है, इसलिए ऐसा ऐसा इंसान से बचिए। ये बहुरूपिया है, ये बहुरूपिया से बचे। जय श्री राम।